प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास फोर्थ की ईवीएस यानी पर्यावरण का पहला पार्ट बचपन की यादें के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके बुक के अंदर से हैं और जो बाहर दिए वो भी हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आपका ननियाल कहाँ पे है? तो मेरा ननियाल उदयपुर में है। आपका ननियाल कहाँ पे है यानी नाना नानी जी का घर कहाँ पे है तो वो बताना है। तो जहाँ पर है आप वहाँ लिखिएगा, बीकानेर में तो बीकानेर, गंगानगर में तो गंगानेर नगर लिखिएगा, जयपुर है तो जयपुर लिखिएगा। अब प्रश्न दूसरा है, आपके मामा जी और मामे क्या रिश्ता है? तो मामा जी और मामे भाई बहन का रिश्ता है। आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं? तो हमारे ननियाल में नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामे जी, मामा जी के पुत्र पुत्री रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके ननियाल में मासी जी रहते हैं या कोई और रहता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? हम अपने मामा जी की पत्नी को मामी जी कहते हैं। आप ननियाल कब कब जाते हैं? हम ननियाल गर्मी की छुट्टियों में तथा वहाँ होने वाले विशेष अवसरों पे, को फंक्शन होता है जैसे विवाह, जन्मदिन समारोह आदि पर जाते हैं। आपके पिताजी और मौसा जी में का आपस में क्या रिश्ता है? तो बच्चों, वो दोनों साधु भाई हैं। आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो मेरे को तो सबसे अच्छा नानी जी का प्यार दुलार लगता है और सत्कार अच्छा लगता है। आपको क्या क्या लगता है अच्छा वो भी लिख सकते हो। अब बच्चों अगला प्रश्न है, आपके माँ पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है? तो बच्चों, मुझे तो नहीं पता कि आपके मम्मी जी कहाँ तक पढ़े और पापा जी कहाँ तक पढ़े, तो आप उनसे पूछ कर कि वो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है तो आपको लिखना है, ठीक है? तो मेरे मम्मी पापा ने तो एमए तक पढ़ाई की है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया दोनों ने एमए तक की है। अगर कोई कोर्स कर रखा है, कोई जॉब लगा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उन्हें पढ़ना कैसे अच्छा कैसा लगता था? तो उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था तभी तो बच्चों उन्होंने एमए कर ली, ठीक है? माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों, ये भी आपको अपनी मम्मी से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके मम्मी के भाई बहनों में सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा है और इतना पढ़ा लिखे होने की क्या वजह। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई मामा जी ने की क्योंकि वे दूसरे गांव व शहर में पढ़ाई के लिए जा सकते थे। लड़कियों के लिए उस समय दूसरे गांव में पढ़ने जाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। और बाकी जो प्रश्नों के उत्तर है आपको अपने घर के हिसाब से देने हैं, ठीक है? आप कंफर्म कीजिएगा, हो सकता है आपकी मम्मी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ पर है? मेरी माँ का ससुराल मेरे दादाजी का घर है और मेरे पिताजी की ससुराल मेरे नाना नानी व मामा जी का घर है। आपके पिताजी को आपके मामा जी मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? तो बच्चों, मामा जी व मौसी जी के आपके पिताजी क्या लगते हैं? जीजा जी। तो वो क्या कहकर बुलाएंगे? जीजा जी कहकर बुलाते हैं। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहकर पुकारते हैं? तो मेरे माता जी और पिताजी अपनी सासू माँ को माँ कहकर पुकारते हैं या माँ जी कहकर पुकारते हैं। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? गेस्ट आते हैं तो आप कैसे उनका वेलकम करते हैं? हमारे घर में मेहमान आने पर प्रसन्नता के साथ यानी खुशी के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन व मिष्ठान के साथ मनुहार के साथ भोजन भी कराया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, चाय पान जलपान करवाया जाता है, इसके अलावा खाना भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या कहकर पुकारते हैं? मेरे पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी, छोटे भाई को चाचा जी और बहन पिताजी की बहन को बुआ जी कहते हैं। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? तो हमारे पिताजी के साला साली जो साले हैं वो मामा जी लगते हैं और साली है वो हमारी मौसी जी लगती है। आपके माँ व पिताजी सब छोटे थे तो वो घर में क्या क्या काम करते थे? हमारे पिताजी माँ जब छोटे थे तब वे घर में अपनी अपनी माँ और पिताजी के कार्यों में मदद करते थे। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं दो काम के बारे में लिखना है और बताइए कि उन्होंने इन्हें कहाँ और कैसे सीखा। हमारे पिताजी को स्वादिष्ट खाना बनाना तथा हिसाब करना आता है। खाना बनाना उन्होंने अपनी माता जी से सीखा और हिसाब करना पिताजी से सीखा। अब बच्चों हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। आपके पिताजी के छोटे भाई को आप क्या कहते हैं? पिताजी के छोटे भाई को बच्चों कहते हैं चाचा जी। तो बुक के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम करने जा रहे हैं। माताजी के भाई आपके क्या लगते हैं? तो माताजी के भाई हमारे लगे मामा जी। आपके पिताजी के साला आपके क्या लगते हैं? मामा जी लगते हैं। माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। नीचे रिकिस्तान है उनको आपको पूरा करना है। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने कहाँ गई? मामा जी के घर गई। अगले दिन सुनीता के गांव
के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। मामा जी ने जमाई सा को मनवार कर यानी अपने बार बार आग्रह करते ना, ये लीजिए आप और खाइए, आग्रह किया, ठीक है, आम की मिठाई खिलाई मनवार करके। सुनीता के पिताजी ने भी सुनीता के मामा जी से कहा कि साला जी आपको मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अब बच्चों कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है। अनीता कौन है? सुनीता की मौसी की लड़की है। नानी जी अनीता को क्या सिखाएगी? अचार बनाना। अनीता की माँ को बचपन में क्या अच्छा लगता था? खेलना व पढ़ना। नानी जी ने कितने तक पढ़ाई की है? पांचवीं तक। तो आपकी नानी जी ने कितनी तक की है वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। सुनीता की माँ ने फोटो में क्या पहना था? फूल वाली फ्रॉक पहनी थी। सितारों वाली साड़ी किसने पहनी? नानी जी ने पहनी है। बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न है, कुछ बड़े हैं। ननिहाल में गर्मी की छुट्टियां मनाने कौन कौन आए? ननिहाल में गर्मी की छुट्टियां मनाने सुनीता और सुनीता की मौसी की बड़ी लड़की अनीता आई। नानी जी ने अनीता की माँ के बचपन के बारे में क्या बताया? नानी जी ने बताया कि अनीता की माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना में पढ़ना अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई मैंने उससे वह उसके भाई बहनों से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे हमारी मदद करते करते काम करना सीख गए। नानी जी ने पांचवी तक की पढ़ाई क्यों की? अब नानी जी के समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। इन कारणों से नानी जी ने पांचवी तक पढ़ाई की। बच्चों ये आंसर आप वो अपने सुनीता की नानी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। घर में सुनीता के माँ पिताजी के आने पर उनका सत्कार किस प्रकार किया गया? घर में बेटी जमाई के आने पर सुनीता की नानी जी और सभी खुश थे, उनके अच्छे से स्वागत किया। खाना खाने के बाद सुनीता के मामा जी ने जमाई सा को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। फोटो एल्बम के क्या फायदे हैं? बच्चों फोटो एल्बम देखकर हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। किसी शादी विवाह उत्सव आदि जिसमें हम ना जा सके उसको भी जान लेते हैं। अब बच्चों एल्बम में फोटो होगी तो हमें हमारे बचपन की फोटो दिख जाएगी। अगर एल्बम ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बचपन में कैसे लगते थे, ठीक है। इसलिए एल्बम हमारी पुरानी जो यादें उनको ताजा करते हैं। अब बच्चों बड़ा प्रश्न है, गर्मी की छुट्टियां ननिहाल में मनाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? गर्मी की छुट्टियां ननिहाल में मनाने से हमें निम्न लाभ मिलते हैं। हमें नाना जी नानी जी मामा जी मामी जी का लाड़ दुलार मिलता है। वहाँ मौसी जी के बच्चे भी गर्मियों की छुट्टियां बिताने आते हैं, उनसे हमें मिलने समझने का अवसर मिलता है। साथ ही हम सब भाई बहन मिलकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। नानी जी के घर पर जाने से हमें ननिहाल के रिश्तेदारों का ज्ञान होता है, जैसे माँ की माँ पिता का हमारे साथ क्या रिश्ता है, माँ के भाई बहनों का हमारे साथ क्या रिश्ता है, माँ के भाई बहनों के बच्चों के साथ हमारा क्या रिश्ता है। नानी जी के घर पर जाने से हमें यह ज्ञान मिलता है कि नाना जी नानी जी व मामा जी पिताजी को क्या कहकर बुलाते हैं और पिताजी उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, तथा हमारा ननिहाल पिताजी का क्या लगता है और यहाँ उनका स्वागत सत्कार किस प्रकार किया जाता है आदि। तो इस तरह से बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर था बचपन की यादें, उनके जितने भी बुक के क्वेश्चन आंसर थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बच्चों चैप्टर को हमने ऑलरेडी रीड कर रखा है तो आप चैप्टर को भी रीड कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।